बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अपनी अपकमिंग फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग में है बहुत ज्यादा फोकस, क्योंकि फिल्म की शूटिंग हो गई है पूरी, तो वहीं अब आमिर खान थग्स ऑफ हिंदुस्तान की रिलीज की तैयारी में है। साथ ही आमिर के फैंस को इस बात का एक्साइटमेंट है कि आमिर खान कब करेंगे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत की अनाउंसमेंट। लेकिन अब आपको बता दें कि महाभारत से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर सामने आ रही है। आमिर खान ने ऋषि वेद व्यास की महाभारत को पूरा पढ़ लिया है और बहुत जल्द ही आमिर खान फिल्म के जरूरी कामों को पूरा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अपने परफेक्शन के लिए मशहूर आमिर के सामने बड़ी प्रॉब्लम आ खड़ी हुई है। लेकिन ये मत सोचिए कि आमिर के पास महाभारत के लिए पैसे नहीं है। आपको बता दें कि आमिर खान ने महाभारत के लिए 1000 करोड़ का बजट बनाया है। दरअसल मसला ये है कि आमिर खान ने महाभारत को इतना ध्यान से पढ़ लिया है कि वो कंफ्यूज हो गए हैं कि आमिर इस महाकाव्य का कौन सा किरदार निभाए। असल में आमिर खान को कृष्ण और अर्जुन के किरदार बहुत पसंद आ रहे हैं और वो कृष्ण और अर्जुन दोनों का किरदार भी निभाना चाहते हैं, जिसके चलते आमिर खान फिल्म की शूटिंग नहीं कर पा रहे हैं शुरू। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आमिर खान महाभारत में कृष्ण या अर्जुन किसका किरदार निभाते हैं, क्योंकि दोनों ही किरदार अपने आप में बहुत बड़े हैं। और देखना ये भी होगा कि अगर आमिर कोई एक किरदार सिलेक्ट करते हैं तो वो कौन सा बड़ा एक्टर होगा जो आमिर के दूसरे फेवरेट किरदार को निभाएगा। आप भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आमिर खान पर कृष्ण या अर्जुन किसका किरदार लगेगा सबसे बेस्ट। बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।